स्वागत आपका विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, कल सीईटी की परीक्षा है, स्नातक स्तर दो पारियों में परीक्षा होगी, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप लोग अपने सेंटर के आसपास पहुंच चुके होंगे। और सभी से विनम्र अपील है कि अब जो है किताबें छोड़ दें और जो कल होगा वो देखा जाएगा। नकारात्मक अंकन इसमें नहीं है साथियों, पहले इसमें नकारात्मक अंकन हो रहा था, लेकिन सभी जो है बेरोजगार साथियों के सहयोग से इसमें बोर्ड पर दबाव डाला गया, सरकार पर दबाव डाला गया और इस नकारात्मक अंकन को हटा दिया, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है। अब साथियों, इसके अंदर अपनों को 40% प्रश्न सही होने हैं, यानी कि 150 में से 40%, यानी 60 क्वेश्चन सही होने हैं और 120 अंक आपके बनने हैं, तो आप लोग इसमें पात्र हो जाओगे। ठीक है साथियों, अब इसमें हम चर्चा करते हैं आज का जो टॉपिक है अपना, कि अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसमें तुक्का कैसे लगाएं या फिर किस ऑप्शन को तुक्का लगाएं। क्योंकि साथियों, इसमें एक ऑप्शन ई होता है, इसका लगाने का तो कोई सेंस नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो ए बी सी डी में से ही अपने को तुक्का लगाना है, क्योंकि इसमें से ही अपने अंक आएंगे। तो साथियों, अब जो मैंने आंकड़ा निकाला है और बहुत सारे आंसर कीज़ को देखा है मैंने, तो इसी से मालूम पड़ेगा अपन को कि तुक्का जो है सबसे ज़्यादा किस पे लगाएं। ठीक है ना, तो ए के ऊपर जो ऑप्शन देखे मैंने, इसमें है 34 और इसमें लगभग 44, इसमें ए थी से शायद 44 और इसमें लगभग 43 और डी का जो ऑप्शन है इसमें लगभग 34 के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। लगभग मोटा मोटा रोग कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं इसमें। तो आप लोग अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सही ऑप्शन होते हैं साथियों वो बी और सी वाले होते हैं। तो पहले तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग पूरे में सब में तुक्के मारो, क्योंकि 40-44 अगर ये हो रहे हैं तो अपने को तो चाहिए तो 60 ही है ना। तो ऐसा नहीं है करना है कि आप लोगों को 150 ही ऑप्शन केवल बी भरे हो, केवल ऐसे नहीं भरना है। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसमें अपने को कौन सा भरना है उस पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते साथियों, ये भी इस तरह का एक सीईटी का परीक्षा हुआ था द्वितीय चरण का, उसमें है, और एक अपन कुछ दूसरी परीक्षा का भी लेके देखेंगे लाइव प्रूफ, तब जाके आप लोगों को अगर विश्वास हो तो आप लोग ये जो है प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही है, कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि ए वाला जो ऑप्शन है इसमें 28 सही हुए थे, बी वाले में 36, सी वाले में 46 और डी वाले में 35। तो इस प्रश्न की प्रायिकता सी को जाती है, मतलब कि बी और सी ही वापस इसमें आ रहा है, उसमें भी बी और सी आ रहा है। अब एक अपन लेते हैं इसमें नया प्रश्न, इसमें हम देखने को लेते हैं साथियों कि क्या ये नया जो ऑप्शन है वो इसमें सही होगा या नहीं होगा। एक इसमें सीईटी के अलावा अन्य कोई पेपर अगर हो तो उसकी हम आंसर की इसमें देखते हैं। जी साथियों, तो ये एक अपने पास आंसर की है, एक अपन ने ले रहे हैं पर्यवेक्षक महिला सीधे भर्ती। ठीक है, परीक्षा की दिनांक थी अभी अपने पास 13 जुलाई, तो इसी में हम इसको चेक करते हैं साथियों कि इसके अंतर्गत कितने ऑप्शन हुए थे। तो पहले जो अपना ऑप्शन है ए, फिर है बी, फिर है सी और फिर है डी। तो आप लोग देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन या ए वाला ऑप्शन आप लोग काउंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आप लोग काउंट करिए मेरे साथ, 5 इसमें आए हैं इस लाइन में, 7, 8, 12 हो गए इसमें लगभग, 5, 5 और 4, 9, 10, 14 हो गए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
तैंतीस, चौंतीस साथियों, पैंतीस, यानी ये भी 40 से ऊपर नहीं गया है, ये भी लगभग 35 है। एक और ऑप्शन देखते हैं अपन, डी, डी वाला ऑप्शन अगर हम देखें इसमें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस। अब साथियों आप लोग देख सकते हैं इसमें कि ये भी लगभग 23 इसमें है, तो अब बाकी के आप लोग खुद देख लीजिए कि ज़्यादा संख्या किसकी रहेगी, तो बी और सी की। तो साथियों इसका अपना जो निष्कर्ष है साथियों वो यही निकला है इसमें। तो साथियों ऑप्शन जो है बी और सी आप लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता में रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अंधे होकर के तुक्के मार के आएँ, पहले प्रश्न को पढ़ें, दो बार पढ़ें, फिर इसमें बी और सी जो हैं तुक्का लगाएं। तो आप लोग बी और सी को ही मोस्ट ऑफ लगाएं। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसमें, मान लो आप लोगों को जो है 100 प्रश्न आ रहे हैं, अब 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो ये जो 50 क्वेश्चन साथियों नहीं आ रहे हैं ना, इनमें बी और सी में भर के आऊँगा। तो आप लोग अगर जो नहीं आ रहे हैं उसमें आप लोग भी इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अब साथियों मैंने ये एक दिन पहले ही वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि साथियों पेपर प्रिंटिंग वगैरह ये सब चलता है और अपना जो चैनल है वो पूरे राजस्थान के अंतर्गत पूरे भारत में फैला हुआ है, तो कहीं अपनी जो ये जानकारी है वहाँ तक नहीं चली जाएँ और वो ऑप्शन बदल ना दे। इसलिए साथियों मैंने ये जो है केवल एक दिन पहले ही ये वीडियो जारी किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें तुक्के से रिलेटेड, कि तुक्के में और क्या संभावनाएँ नज़र आ सकती हैं। तो साथियों इसके साथ ही मैं आप लोगों को कुछ जो जानकारी है वो मैं बता दूं कि आप लोग जो सुबह परीक्षा देने जाओ तो उसमें साथ में आपको क्या लेकर के जाना है। सबसे पहली बात तो आपको परीक्षा केंद्र में 2 घंटे पहले जाना है। सुबह की जो पारी है 9 से 12 है, तो आप लोग जो हैं 8 बजे तक कैसे भी करके वहाँ पहुँच जाएँ। 8 से 9 लास्ट एंट्री, इसमें 2 घंटे पूर्व आप लोग केंद्र पर पहुँच जाएँ, 1 घंटे पूर्व बंद हो जाएगा। मतलब कि आप लोग 8 बजे तक वहाँ केंद्र में पहुँच जाएँ, 8 बजे तक 7 से 8 एंट्री चलेगी, 8 बजे तक लास्ट एंट्री है साथियों, लास्ट एंट्री 8 बजे है। तो आप लोग जो हैं समय पे वहाँ पे पहुँच जाएँ, 9 बजे से तो एग्ज़ाम चालू हो जाएगा साथियों, ठीक है। प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा 8 बजे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। प्रवेश पत्र साथ ले जाएँ, एक मूल आईडी लेकर के जाएँ, प्रवेश पत्र ले जाना है आपको, ठीक है, मूल आईडी ले जानी है, और साथियों क्या ले जाना है, साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटो जो कि 1 महीना पुराना नहीं हो, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ले जानी है। और एक बॉल पेन ले जा सकते हैं आप लोग गोले भरने के लिए, वहाँ पे मिले नहीं मिले, आप लोगों को लेकर के जाना है साथियों। और ड्रेस व्रेस वगैरह सिंपल साधारण पहन करके जाएँ। महिलाएं भी जो हैं कान के और नाक के गले के जो भी हैं गहने वो, और आप वहीं पर बाहर आपके साथ कोई आया है तो उसको दे करके जाएँ, ठीक है। और इसके साथ ही साथियों अगर आप लोग किसी भी तरह की सोशल मीडिया की जो है भ्रामक बातों पे विश्वास ना करें, क्योंकि साथियों अब जो अपना अनुचित साधनों के उपयोग का और पेपर लीक में इसमें अगर आप लोग शामिल होते हैं तो 2022 का जो कानून है वो लागू हो चुका है। इस एडमिट कार्ड में भी यही आया है, इसमें साथियों क्या होगा कि 10 लाख से 10 करोड़ तक का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, और 10 साल की सज़ा से लेकर के आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। तो आप लोग इस चीज़ का पूरा ख्याल रखें। तो लगभग यही चीज़ें हैं सीईटी के लिए, संपूर्ण जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी हैं। आप लोग जो हैं अच्छे से कल शांति से परीक्षा में बैठें, पेपर देवें, और जो हैं पूरे मन से
आप लोग को प्रेफर करके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे और आप लोग सफल ज़रूर होंगे। मिलते हैं साथियों ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बात मैं हमेशा बात बोलता हूँ साथियों कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इतनी सारी जो वीडियोस आती हैं वो आप लोगों के सब्सक्राइब की वजह से ही आती हैं। मनोकामना मिलती है कि इतने सदस्य अपने चैनल से जुड़े हुए तो उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।